Now, we are going to learn passive voice of simple past tense. हम सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में हिंदी सेंटेंस में किया, आया, गया, सोया, पिया इस तरह से या आता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में किया गया, लिखा गया, सोया गया, भेजा गया इस तरह से किया गया आता है तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। हमें यहाँ वी का वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है लेकिन पैसिव वॉइस में बी का सेकंड फॉर्म वाज है और कहीं कहीं भी कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। देखिए हम इन सेंटेंसों को पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए किसी ने चोर को खत्म किया, ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे पीछे आना होता है। समवन ये सब्जेक्ट है, समवन इस सेंटेंस के एंड में खत्म किया का सेकंड फॉर्म है, किल्ड और चोर के लिए द थीफ, समवन किल्ड 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 द थीफ। अब ये पैसिव वॉइस है, चोर को खत्म किया गया। ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। द थीफ इस सेंटेंस के एंड में इस गया के लिए ये बी का सेकंड फॉर्म वाज नहीं तो वेयर आएगा। इस ये क्वेश्चन होने की वजह से वाज, द थीफ वाज और खत्म करने का थर्ड फॉर्म है किल्ड, द थीफ वाज किल्ड, द थीफ वाज किल्ड, the thief was killed, 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 the thief was killed. देखिए फिर से, someone killed the thief was killed, someone killed the thief was killed, someone killed the thief was killed. मोहन ने उस बूढ़ी औरत की सहायता की, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मोहन, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्ण विराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है ये देखकर धीरे धीरे पीछे आना होता है। मोहन सहायता की सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, मोहन 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 हेल्प 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 द ओल्ड लेडी। ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, द ओल्ड लेडी। इस सेंटेंस के एंड में इस गई के लिए बी का सेकंड फॉर्म वॉज आएगा, द ओल्ड लेडी वॉज और सहायता करने का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कहीं भी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, सहायता करने का थर्ड फॉर्म हेल्प, द ओल्ड लेडी वाज हेल्प्ड, 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 द ओल्ड लेडी वाज हेल्प्ड। देखिए दोनों सेंटेंस, मोहन हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी वाज हेल्प्ड, मोहन हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, the old lady was help, Mohan helped the old lady was help. चारों सेंटेंस फिर से देखिए, someone killed the thief was killed, Mohan helped the old lady was help, someone killed the thief was killed, Mohan helped the old lady was help. इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाया और अंग्रेजी बोलने में हमारे भारतीय छात्रों को मास्टर बनाने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है योर स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं। ये जो वाक्यों के नीचे जो अंक दिए गए हैं, ये 1, 2, 3 ये अंक किसी भी सेंटेंस को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए। उसके बाद अंग्रेजी या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में
कौन से शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना होता है, ये यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस हिंदी में भी इन नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब के फॉर्म के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है, और वही भाग उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्क फॉर्म के साथ है। लेकिन छात्रों को ये किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, इस पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है। अपने आँखों के सामने हिंदी रखनी है, लेकिन हिंदी के नीचे ये जो आंख है इन आंखों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में, अपने मुँह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। देखिए सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में देखना ही सो रहे, लेकिन अपने मुँह से, अपने दिमाग से कैसा करना है। Someone killed the thief. The thief was killed. Mohan helped the old lady. The old lady was helped. इस तरह से ये पूरा किताब हिंदी की ओर देखते हुए अपने दिमाग में, अपने मुँह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। जब आप शुरू में कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड, आपकी गति बहुत धीमे धीमे होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ती जाओगी वैसे वैसे आपकी गति, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की, अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया कोई भी सेंटेंस, जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं उस गति से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। इतनी सिंपल टेक्निक है। अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि इतनी सहजता से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। इसके लिए हमने एक सिंपल सा जरिया बनाया है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर क्या है, 8983006177। इस नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस में आपका स्टेट, गुजरात, राजस्थान, बिहार जो भी हो, और पिन कोड लिखना है, और इसका एक SMS आपको बनाना है, और ये SMS आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको मैसेज भेजना है। हमें वो मैसेज मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और उसके साथ एक DVD पोस्टमैन आपके घर तक ला के देगा। ये किताब और DVD आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपये पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि जल्द से जल्द आप एक किताब प्राप्त करोगे, और दुनिया में कहीं भी जाकर अपनी अलग सी दुनिया बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम सब भारतीय जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी, अंग्रेज भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हमें अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। इस स्किल में आप कुशल बनोगे, परिपूर्ण बनोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे 350 वीडियोस आज यूट्यूब पर है, वो सभी वीडियोस आप देखिए, और इसके आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे जो वीडियोस आपको अंग्रेजी नहीं बोलना सिखाएंगे, तो आपके दिल और दिमाग में एक नई ताजगी, एक नई रोशनी पैदा करने का काम करेंगे। वैसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे, वो वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे, उन वीडियोस को हम यूट्यूब पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में वो वीडियोस आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो इस वीडियो के नीचे राइट साइड में एक सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं, और इसके आगे हम जो वीडियोस बनाते रहेंगे वो वीडियोस भी आपको आपके जीमेल अकाउंट पर मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट का जरिया है, इनका इस्तेमाल करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें कि वे भी वीडियोस को देखें। इतनी मैं गुजारिश आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।